होप बेटा आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग काफी अच्छे से क्लियर हुए हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कि जो अकाउंटिंग है बेटा वो कौन कौन से फंक्शन करती है। सो देखिए बेटा एक अकाउंटिंग जो है वो क्या क्या फंक्शन प्ले करती है। देखिए फर्स्ट इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, मीन्स जो अकाउंटिंग है बेटा वो क्या करती है, कंप्लीट और एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। मीन्स इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे कि हमको पता है कि सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना है, फिर हमें उसे क्या करना है, लेजर में पोस्ट करना है, जिससे कि क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, और फिर हमें उसे क्या कर देना है, समराइज कर देना है। तो समराइज में हमको क्या मिलेगा बेटा, हमारा नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है, देखिए मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या करना, रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को, देन पोस्ट देम टू लेजर, फिर हम क्या कर देते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं लेजर में, एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मींस जिसको हमने कल पढ़ा था फाइनल अकाउंट को, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि आपको नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल सके। क्लियर। सो नाउ सेकंड, कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, मतलब जो भी पार्टीज आपके कंपनी में इंटरेस्ट रखती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, आप क्या करेंगे बेटा, उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब किसकी हेल्प से, जैसे नेट प्रॉफिट की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसे ही बैलेंस शीट की अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे क्या आता है बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी आती है। ठीक है, एसेट्स जो होती है बेटा, जो कि हम परचेज करते हैं, जो कि हमारी होती है। ठीक है, और लाइबिलिटी क्या होती है, जो हम उधार पर लेते हैं, ये जो होता है बेटा ये हमारी होती है, मतलब इसको हम खुद के पैसे दे करके फिर लेते हैं। ठीक, और लाइबिलिटी जो होती है बेटा वो हम उधार पर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ देखिए प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, मीन्स आप क्या कर सकते हैं बेटा, अब आपके पास जो भी एसेट्स है, मतलब आप आपका जो भी, मतलब आपके पास कोई भी कैश रखा हुआ है, कोई भी स्टॉक रखा हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से अकाउंट को मेंटेन करके। ठीक है, अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स, लाइक कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन स्टॉक है, डेटर, डेटर कौन होते हैं बेटा, जिनको हम पैसा देते हैं। ठीक है, हमने ऊपर क्रेडिटर के बारे में पढ़ा था, तो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिससे हम उधार लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही डेटर कौन होते हैं, जिसको हम उधार देते हैं। क्लियर, सो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एसेट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, नाउ प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को अभी आप क्या कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपने अच्छे से प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन ले सके। ठीक, शिप इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, मीन्स क्या कह रहे हैं कि कंपनी के केस में क्या माना जाता है कि जो भी मैनेजमेंट होगी वो क्या करेगी बेटा, उसके रिसोर्सेज को, मीन्स बिजनेस के रिसोर्सेज को क्या करेगी, अच्छे से कंट्रोल करेगी। मीन्स जो भी उन्होंने फंड लगाया है, मीन्स जो भी पैसा लगाया हुआ अपने बिजनेस को चलाने में, वो क्या करेगी, उसे काफी अच्छे से कंट्रोल करेगी। ठीक है, ऐसे ही भी देखिए बेटा 6 पॉइंट, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, मींस आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उसको आप लीगली भी यूज कर सकते हैं, मींस अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज, जैसे कंपनी एक्ट हो गया, या फिर इनकम टैक्स एक्ट हो गया, गुड्स और सर्विसेज टैक्स हो गया। ठीक है, एक बिजनेसमैन जो है वो अपने, मतलब जो भी आपने अकाउंट्स बनाया, लाइक P&L अकाउंट बनाया है या फिर आपने बैलेंस शीट बनाई है, तो उसको आप एज अ प्रूफ दिखा सकते हो कोर्ट में। ठीक है, सो फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आप क्या करते हैं बेटा, जब भी आप अपना फाइनल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी आपके इम्प्लॉयज होंगे, आप उन्हें क्या कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देंगे कि आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। लाइक आपका मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट है, तो सेल डिपार्टमेंट की ड्यूटी आप एक पर्सन को देंगे, परचेज डिपार्टमेंट की ड्यूटी आप एक पर्सन को दे देंगे, तो जिससे आपके डिपार्टमेंट के जो हेड है बेटा वो क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और काफी अच्छे से अपना काम करेंगे, और इससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर, सो
एक जो अकाउंटिंग होती है बेटा वो क्या क्या फंक्शन प्ले करती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो आई होप बेटा आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन काफी अच्छे से क्लियर हुए हैं। सो आज जो आपका वर्क रहेगा बेटा आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स को एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू।